नमस्कार एग्जाम भाइयों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार, मैं भारतीय सर्वेल अनुसंधान संस्थान इंदौर में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो बॉल संरक्षण है। और आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो कि कॉलर रॉट है। कॉलर रॉट जो कि हिंदी में हम इसे करदनी सड़न के भी नाम से जानते हैं और नाम से स्पष्ट है कि जो गर्दनी सड़न में जो कॉलर रीजन है, जो जमीन से जो सटा हुआ भाग है, तो उसमें क्या होता है, जो नवजात पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जब हमारा पौधा जो है, जब हम सोयाबीन लगाते हैं तो 15-20 दिन की जब सोयाबीन जो पौधे हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सफेद कलर का जो कवक जाल होता है, फंगस का जो माइसीलियम होता है, वो पूरे जो कॉलर रीजन है, जो गर्दन जो जमीन से जस्ट ऊपर का भाग है तथा जड़ में भी, तो उस पे ये कवर कर लेता है। और इससे क्या होता है कि जो पौधे हैं वो मर जाते हैं। दूसरी जो पहचान है बहुत मतलब जरूरी है, आप नोटिस करेंगे फील्ड में कि कई बार क्या होता है कि आपको सरसों के जो दाने होते हैं तो वैसे इसमें वो बनते हैं, इसके रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जब आप देखेंगे कि कवक जाल के ऊपर आपको लाल कलर के या भूरे कलर के असंख्य मतलब दाने मिलेंगे। ये जो दोनों सिम्टम है ये बहुत जरूरी है, इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात इस बीमारी के लिए जो मैं बता दूं कि यह बीमारी तब आएगी जब हम बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होता है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो या अगर आप खेत में बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इस बीमारी के फैलने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है।